अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं मुंब्रा बाईपास से बिल्कुल सटे हुए और शिवाजी नगर के ऊपर ही दुर्गा माता देवी मंदिर का, जहां भैयावाड़ी बोल करके जो परिसर है वहां पर। हम आपको याद दिला दें कि तकरीबन 4 माह पहले इसी भैयावाड़ी परिसर में इकलौता एक पानी का जो साधन था कुआं, वो कुआं धस गया और वो कुआं धसने के बाद से जो है आज तक यहाँ के तकरीबन 500 से 600 परिवार जो है वो पानी की परेशानी का जो है रोज़ाना सामना कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय नगर सेवक अशरफ पठान ने यहाँ पर पानी की समस्या हल करने के इन्हें वादे तो बहुत किए, आश्वासन तो बहुत दिए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो है सब हवा हवाई साबित हुए। इकलौता एक आश्वासन उन्होंने जो दिया था वो थोड़ा बहुत एक छोटी सी हद तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 10,000 लीटर की पानी की टाकियां लगाई गई है, उसी से पानी की लाइन जो है इन मकानों में, इन स्लम एरियाज के, इन 500 परिवारों के आसपास फैलाई गई है, जहां पर अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। मगर इन पॉइंट से जो है 2 डब्बा 4 डब्बा पानी जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके लिए भी पड़ोसी लोग जो है पड़ोस धर्म भूल करके आपस में लड़ने से भी चूकते नहीं हैं। ये यहाँ की आज पानी समस्या की जो है बहुत ही बड़ी विडंबना है। पानी समस्या के अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो शौचालय है उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं होती, यहाँ के नाले और गटर की जो है नियमित रूप से सफाई नहीं होती, जो कि गंदगी और कचरे से भरे पड़े हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है बीमारियाँ हमेशा लोगों में फैली रहती है। मेन पानी की परेशानी को लेकर के यहाँ के लोगों ने नगर सेवक अशरफ पठान के साथ में जो है थाने मनपा मुख्यालय तक गए, वहाँ तक का जो है उन्होंने अपनी यहाँ की परेशानी, रोज़ाना की जो है ये एक दिक्कत जो है सामने रखी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी सिवाय इस पानी की टंकी में 15 दिन में एक टैंकर के अलावा दूसरी कोई राहत आज तक उन्हें मिली नहीं है। क्या यही विकास है? क्या यही लोगों के साथ जो है प्रशासन का और राजनीतिज्ञों का खिलवाड़ है? यही सवाल जो है भैयावाड़ी की इस पानी समस्या, कचरा समस्या और शौचालय की समस्या से सामने आते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका और कहाँ रहती है? इस परिसर का नाम क्या है? शिवाजी नगर दुर्गा मंदिर। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोगों को? हम लोग को पानी की परेशानी है। कितने दिनों से चल रही है? 3 महीना हो गया पानी नहीं है। अच्छा, ये कुआं कब धसा है? 3 महीना? 3 महीना हो गया। तो इसको बनाने के लिए कॉर्पोरेशन की तरफ आप लोगों ने कोई मांग नहीं की? नगर कितने बार गए, कितने बार गए, आके भी गए, उन लोग ने भी देखा, लेकिन बोले कि नल लगा के देंगे, कुछ भी नहीं। टैंकर आ रहा था, 15 दिन में एक बार टैंकर आता है, पानी भी नहीं मिलता। सरकारी नल आता है, 2 डब्बे मिलते हैं, वो भी 2 डब्बे से क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे पानी लेने के लिए? नल लगा है तो हम लोग के इधर नल नहीं है। कितने घर है ऐसे जिनको अभी फिलहाल पानी नहीं मिल रहा है? पिछले 500-600 लोग है यहाँ। 500-600 घर है ऐसे? कुएं का काम क्यों नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? वही ना, हम लोग 3 बार गए उनका ऑफिस में, बोले हम लोग 3 महीने में करा के दूंगी, अभी तक नहीं दिए कुछ। एक ले आके वो टाँकी रख दिए। अच्छा, आज टाँकी में 15-20 दिन हो गए टाँकी लगा के, 2 दिन पानी मिला है, 2 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। बोलते शाम को दूंगी, सुबह दूंगी, ऐसे कर कर के 3 दिन हो गए, अभी पानी नहीं आया। अच्छा, तो ये जो समस्या आप लोगों की चल रही है, तो आपने यहाँ के जो नगर सेवक है शानू पठान, अशरफ पठान, उनसे बात की थी इस मामले में, उनसे शिकायत की थी? हाँ, कितना बार, हम लोग 3-4 बार गए उनका पास। उनकर मम्मी आई परसों दिन, बोलती है सब लोग अपना अपना घर के लेटर बना के दो। अच्छा। और घर का टैक्स दो, लाइट बिल दो, अपना अपन नाम लिख के दो, उस पर साइन करके दो, हम लोग ले आके नल लगा देते। क्या परेशानी है बहन जी इधर? इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। अच्छा, इधर BMC का पानी आता है, किसी को मिलता है? BMC नहीं है यार, TMC है। वही किसी का आता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, वो टाकी भी लगाए, बोले वो बोरिंग करेंगे, कुछ भी नहीं किए। इधर कचड़े का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, सब वैसे का वैसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं सुनवाई होती। कहीं भी जाओ किसी के पास भी कुछ भी सुनवाई नहीं, आएंगे जाएंगे। नगर सेवक के अलावा और किसके पास गए आप लोग? दो सब लोग आए, सबके पास बोले, यहाँ से लेके थाना तक गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। थाना तक भी गए थे हम लोग, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। यही नीचे जो है यहाँ के पूर्व नगर सेवक रहते हैं महेंद्र कुमार लेकर, उनके पास भी गए थे? आए थे वो, आए थे, हम लोग गए नहीं थे, वो आए थे, आए थे वहाँ पे, देखे, बोले भी उन लोग से, बोले ठीक है, होगा होगा, कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है, अभी होया होया ही नहीं। मेरा तो कुर्सी है नहीं, जिसका कुर्सी है उससे बोलो, अगर नहीं करके देगा तो हम करके देंगे। अच्छा, बाकी तो हम लोग नहीं गए, नहीं गए, क्यों नहीं गए कि कुर्सी तो
पठान का है, इसीलिए हम लोग महन भाई के पास गए नहीं। कि कैसी दिक्कत है आप और किस तरीके से? बहुत ज्यादा पानी की परेशानी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे परेशान है, नहा धो नहीं पाते है, स्कूल बराबर टाइम पे नहीं जा पाते है, कोई नमाज नहीं पढ़ पाता है। आज जुमा का दिन है तो कोई नहाया ना धोया, सब ऐसी दो लोटा पानी गिरा के नमाज पढ़ लिए, ऐसा थोड़ी होता है। कितने बार हम लोग गए, कितना बोले, कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा। किसके पास गए थे आप? यहाँ के जो नगर सेवक है उनके पास गए थे। हाँ, तो वो आए, टाकी वगैरह लगाए, टंकर आया, दो तीन बार टंकर आया, फिर उतने में हमारा क्या होगा, इतनी बड़ी एरिया है, मतलब रोजाना टंकर नहीं आता? नहीं नहीं, रोजाना रोजाना वो टाकी से पानी नहीं मिलता? नहीं नहीं। अच्छा, नगर सेवक के अलावा और किसी के पास गए थे आप? नहीं, और किसी, हम लोग कुछ मालूम ही नहीं कि हम लोग कहीं जाए। अब क्या दिक्कत परेशानी है आपको, आपके इस पूरी आबादी में? बस पानी की परेशानी, बाथरूम की परेशानी, गटर नहीं साफ हो रहा, सब कहो तो इधर परेशानी है। अच्छा, पूरी गंदगी है? हाँ, पूरी इधर गंदगी पड़ा है, हाँ पूरा कचरा इधर पड़ा है। अच्छा, पानी नहीं होने की वजह से जो है वो टॉयलेट भी साफ नहीं होते, शौचालय भी साफ नहीं, सफा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने जो है नगर सेवक से बात की, तो नगर सेवक के अलावा और किसी दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं गए आप लोग? अब नहीं, हम लोग का नहीं मालूम, तो नहीं गए, थाने तक गए। हाँ, थाने तक गए। कमरुल भाई, कितने अरसे से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मेरा 25 या 26 साल हो गए मेरे को रहते हुए। 25 या 26 साल हो गए, तो उसके पहले से ये कुआ यहाँ पर था जो 3 महीने पहले धस गया है? 3 महीने तकरीबन 50 साल पुरानी कुआ है। अच्छा। जब भी मैं आया यहाँ से कुआ अब जब तक मौजूद था यहाँ पे, अभी भी था ये, अभी तक क्यों नहीं बन के मिल रहा है कुआं आप लोगों को, क्या वजह है आपके हिसाब से? यहाँ से पब्लिक लोग कुछ आए थे यहाँ पे, अपना सरपंच सानू के कुछ लड़के लोग भी आए थे, लेके गए वहाँ पे थाना ऑफिस में, आवाज साहब बुलाए वहाँ पे गए ये लोग। हाँ। कुछ बोले कि अच्छा अच्छा काम, कितने दिन में काम चालू हुआ यहाँ पे, उद्घाटन भी हो गया, ये 3 महीने में बॉडी बना के दूंगा, कुछ दो 10-15 दिन जो भी टाइम लगेगा मैं टाकी बैठा के देता हूँ, पानी का सबका समस्या हल कर दूंगा। अभी तक तो टाकी भी तो लगा, नल भी सब लगा, लेकिन पानी 15 दिन में एक बार आता है, उसके लिए मचान भी होता है, झगड़ा था, 15 दिन में एक बार पानी आएगा तो कोई 2-4 डब्बा, कोई 5 डब्बा लेके जाएगा तो लफड़ा होना ही है। अच्छा, तो अगर रेगुलर आएगा तो पब्लिक को थोड़ा, अगर रेगुलर अपना पानी आता है। अच्छा, ये जो टाकी लगाई है आपके यहाँ तो उसमें टैंकर से पानी डालते हैं क्या? टैंकर से पानी डालते हैं। अच्छा, कितने दिन में टैंकर आता है? टैंकर अभी मेरे रहता है, 4 मरतबा टैंकर आया है। अच्छा, 4 मरतबा, ये कुल कितने दिनों में 4 मरतबा? तकरीबन 2 महीना हुआ। 2 महीना है। और कुआं धसे कितना महीना हो गया? कुआं मैंने 3 या 4 महीने से, आज 7 तारीख को कुआं धसा था। अच्छा, 3 से 4 महीना हो गया लगभग। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो है कारपोरेशन के कुछ 4-5 नल मिल जाए, या ये कुआं बन करके मिल जाए, तो यहाँ के ये 500-600 घर की जो पानी की समस्या है वो खत्म हो सकती है। हाँ। तो अभी इतनी भागदौड़ के बाद जो है कुछ मतलब हो नहीं रहा है, तो आप तमाम लोग मिलकर के इस पे क्या कदम उठाएंगे आगे? हम लोग कदम ये उठाएंगे, अगर हमारे पानी का समस्या हल गए तो ठीक है, नहीं तो हम आगे उसका मोर्चा निकालेंगे। हाँ। कमरुल भाई, ये जो टाकी बनी है तो क्या इसमें रोजाना टैंकर नहीं आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मतलब क्या बोले कि महानगर पालिका से रोज टैंकर, एक टैंकर अपने टैंकर में डाला जाएगा। हाँ। और सबको पानी एक टाइम से छोड़ा जाएगा। अच्छा। एक टैंकर मतलब चार महीने में 4 मरतबा टैंकर आया, 2 महीने में 4 बार टैंकर आया है, 3 बार आया जो भी हो। हाँ। तो बोले कि यहाँ पे तो 3 बार आता है, 3 बार में पानी नहीं किसी को पूरता नहीं, 4 महीने तक 2 डब्बा थोड़ी ना भर के जिंदगी गुजारेगा। रोजाना टैंकर पास हुआ है जो तुम कह रहे, तो इसमें क्या मतलब बात है कि रोजाना का टैंकर पास है फिर भी यहाँ नहीं आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो टैंकर फिर? ये मसला पब्लिक निकालेगी, पब्लिक अगर यहाँ पे चलेगी उससे पूछेगी, पूछताछ करेगी, उन पर प्रेशर बनाएगी। हाँ। तो अपने को उसका रीजन या कुछ कंफर्म मालूम पड़ेगा, अपना टैंकर रोज पास होता है, यहाँ तक पहुँचता नहीं, टैंकर जाता कहाँ है? अभी जो भी अपना जो पानी का टाइम होता है, पानी आने का समय होता है, उतने में लाइट चले जाता है, लाइट कटौती कर दे। अब एक ही बार जब फिर जब पानी का टाइम चला जाता है, पानी खत्म हो जाता है, वापस फिर लाइट चालू करते, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, बोरिंग हो सकती है क्या यहाँ पर? बोरिंग हो सकती है। तो बोरिंग क्यों नहीं करके दी जा रही आपको, जबकि कारपोरेशन की तरफ से तो नगर सेवक चाहे तो बोरिंग करके दे सकता है? हम लोग पब्लिक के सामने तो बोले थे हम एक बोरिंग करके देंगे। हाँ। एक नीचे से एक नल लगा के देते हैं जब तक फिलहाल नॉर्मल के लिए। हाँ। ना बोरिंग लगा, ना अभी तक नल लगा, खाली एक टाकी लगा अपने पास। अच्छा। बाकी उसका कोई पानी अभी तक फिलहाल कुछ मसला उसका हल हुआ ही नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा विकर्मा राम नाम है। विकर्मा राम, यहाँ कौन से परिसर में रहते हैं आप? मैं इधर ही अपना गमैया 2452 चाल में रहते हैं। अच्छा, क्या परेशानी है यहाँ पर, क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो परेशानी इतनी परेशानी है कि कहने में भी शर्म लग रही है। अच्छा, ये महानगर मुंबई के अंदर हम लोग रहते हैं, भारत का
आर्थिक राजधानी मुंबई है। आज इस बस्ती को कम से कम यहाँ पे 32 साल से रह रहे हैं, 32 साल से रास्ता के देख लीजिए कंडीशन, बौड़ी जो था इस बौड़ी के वजह से इस एरिया बसा है। अच्छा, वो बौड़ी गिर गई, बौड़ी गिरने के बाद में देखिए कनेक्शन लगा हुआ है। हाँ। ये अभी लगा है, ये भी कनेक्शन कहाँ तक, इस मंदिर तक है। अच्छा। मंदिर तक ही है, इसमें पानी 15 दिन बोल रहे, 15 दिन में भी नहीं आता है। अच्छा। यहाँ के लोग जब जाएंगे तो दिखावे में एक टैंकर पानी आएगा, फिर उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है कि इधर के लोग मर रहा है कि जी रहा है, ये चीज़ है। और दूसरी बात कि इलेक्शन से पहले आज सानू पठान ने 15 साल यहाँ राज किया, पहले यहाँ विधायक जितेंद्र अवहार ने ऐलान किया था कि हम इतनी पानी यहाँ देंगे कि पूरा डोंगर बह जाएगा। अच्छा, पूरा डोंगर बह जाएगा। आज लोगों के पीने के पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ भय में लोग जी रहा है। बहने की जगह सूख गया। और दूसरी बात कि यहाँ पे भय में लोग जी रहा है, यहाँ पे चर्सी लोग यहाँ इतने अड्डा लगा दिया है कि यहाँ के बच्चे लोगों का लाइफ खराब हो रही है। हम लोगों के बच्चे इन लोगों के साथ में रह करके चरस गांजा पी रहे हैं, हम लोगों को डर है कि बच्चे की वजह से हम लोग को भी लाइफ खराब ना हो। इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे कि क्षेत्र को अच्छी तरह से इंक्वायरी की जाए, यहाँ पे जो सुविधा की कमी है उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे हम तो कहेंगे देखिए उस बिल्डिंग के पास में नगर सेवक पहले मैन कुमेकर थे, उनका कनेक्शन दिया हुआ है, वो भी उसको भी पैसे के ऊपर बिका जा रहा है। अच्छा, जो मेंबर है उसको पानी दिया जा रहा है, अभी पानी नहीं मिला था, मैं एक दिन 2 डब्बा लेकर गया, उधर के लोग क्या बोलते हैं, 1 डब्बा पानी ले लो, मेंबर को पानी नहीं है। अब बताइए कि हमारे घर पे 9 फैमिली है, 1 डब्बा पानी में हम क्या करेंगे। तो ये यहाँ पे समस्या, एक भी कनेक्शन इस एरिया में नहीं है, जितने नल आप देखेंगे खुद अपना पैसा डाल कर लोग लेकर के आए। जब हम पैसा डाल करके लेकर आएंगे तो पॉलिटिक्स वालों को जिता करके हमको फायदा क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स भर के क्या फायदा है। मुंबई के अंदर में चलने के लिए पैसा चाहिए, पेशाब करने के लिए चाहिए, बाथरूम को चाहिए, मरने के लिए पैसा चाहिए, ये गवर्नमेंट को जो पब्लिक टैक्स भरती है वो पैसा कहाँ जाता है। पानी के लिए तरसते लगभग 500-600 परिवार, पिछले 4 महीनों से पानी देने वाला एकमात्र साधन कुआं धंसने के बाद भी ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा उसको बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, और यहाँ पर एक पानी की टाकी बना करके सिर्फ जो है 15 दिन में एक टैंकर मुहैया कराना, पानी की आज की तारीख में बिजली की लोड शेडिंग के चलते जो किल्लत हो रही है, उसके अलावा भी यहाँ पर कचरा, शौचालय, गटर नाले गंदगी से भरे पड़े, इन सारी समस्याओं से जिसमें पानी आज की तारीख में जो है इन 500-600 परिवारों के लिए जो है किसी अमृत से कम नहीं, मगर मिलता भी नहीं है और जीने को होता भी नहीं है। ये दास्तां आज भैयावाड़ी परिसर के लोगों की बताने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।